खबर जिला शिवपुरी वार्ड क्रमांक 35 से आ रही है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी मदन शेजवार मट्टू भैया ने किया तूफानी जनसंपर्क, जो कि अपनी पूरी ताकत। दरअसल आपको बता दें कि मदन शेजवार वार्ड नंबर 29 से पूर्व पार्षद हैं। मदन शेजवार पूर्व पार्षद रहते हुए वार्ड 29 में किए गए विकास को लेकर अब की बार वार्ड 35 से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव चिन्ह केक के रूप में मैदान में है। मदन शेजवार ने बताया है कि एक बार वार्ड 35 की गली संजय कॉलोनी से निकल रहा था, मैंने देखा वार्ड 35 में कोई विकास नहीं है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, नालियां भी गंदगी से भरी हुई हैं, ना कोई लाइट है खंभे पर, ना ही कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही कोई सड़क अभी तक बनी है। इस वार्ड को बताया वार्ड 35 से निकलने वाले हर व्यक्ति को दिन भर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मदन शेजवार मट्टू भैया ने बताया कि मैंने यहाँ रुककर संजय कॉलोनी में रहने वाले वार्ड 35 के वासियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पूर्व में रह चुके, उन्होंने 10 साल से जो लोग उन्होंने अभी तक कोई भी विकास नहीं कराया है। इन गरीबों की बात सुनकर मेरे मन में पीड़ा जाग उठी। यह सब चीज़ें देखते हुए मैंने उसी दिन से मन में ठान लिया कि मैं वार्ड 35 से अब की बार चुनाव लड़ूंगा और लड़कर जीतकर वार्ड 35 में ऐसा काम करके बताऊंगा अभी तक किसी पार्षद ने नहीं किया होगा। हर तरफ लाइट लगी होंगी, नालियां बनी होंगी, सड़कें बनी होंगी। मदन शेजवार बोले, जीतने के बाद वार्ड 35 में कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। बोले, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, केक के सामने वाला बटन दबाकर मुझे एक बार जिताकर बता दें पूर्व पार्षदों को कि देखो इस बार हमने मदन शेजवार को जिताया है, अब कितना विकास हो रहा है इस वार्ड में, देखिए आगे क्या। कहा वार्ड 35 के निर्दलीय प्रत्याशी मदन शेजवार मट्टू भैया ने।